नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन चैनल एग्जाम गुरुकुल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आएगी उसे और प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ जीके और जीएस के टॉप कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो है फ्रियान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। अगला सवाल, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे आत्माराम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्माराम शर्मा थे। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? जी आप बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, वो देश कौन है? वो देश था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल करते हैं दोस्तों, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? अगला सवाल है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो है नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने से उसका भार, जी हाँ बताना है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? वो है पातालपुरी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के पातालपुरी जिले में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम स्थित है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इनमें से ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो वो होती है स्टील में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इसमें किस में होती है? तो स्टील में होती है। अगला सवाल है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? अगला सवाल है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो कहा जाता है टाइटेनियम को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा आप सब। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? या इनमें से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो है सल्फर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जी हाँ, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सवाल, मंदिरों की पूरी भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूरी भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो वह तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों की पूरी भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो है YV चौहान। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान थे, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? वो है बिहार से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए सब। अगला सवाल, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो वो है ताले के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह स्थित हैं। अगला सवाल, भारत का डीजल इंजन विनिर्माण इकाई, भारत का डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW कहाँ स्थित है? तो वह है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के। अगला सवाल, शाहनामा किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, शाहनामा किसकी कृति है? तो वो है फिरदौसी की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल, मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी कौन है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1964 ईस्वी में करवाया गया था, याद रखिएगा आप सब। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1964 में। अगला सवाल, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से हटा दिया गया है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से हटा दिया गया है? तो वह जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला सवाल, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी? वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। अगला सवाल, निम्न में किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? जी आपको बताना है, निम्न में किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो वह है बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? वो ही थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, राजस्थान में पेड़ों में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में पेड़ों में किस प्रकार की पत्तियां होती हैं? तो छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला सवाल देखते हैं, अंजू बाबी जाल संबंधित हैं? जी हाँ, बताना है अंजू बाबी जाल किस खेल से संबंधित हैं? तो अंजू बाबी जाल एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 30 GK के क्वेश्चन। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।